90s में फटे होते थे एक्टर्स के आपस में बहुत ज्यादा, उनके बारे में कुछ बताया ना, आपकी राइवलरी किसके साथ आपको लगता है कि जो आई थिंक राइवलरी एज सच कोई नहीं है थी ऐसी, बट आई थिंक अ लॉट ऑफ उस दौर में इतनी साउथ के साथ अक्सर आ जाती थी सुनने नहीं नहीं बिल्कुल नहीं नहीं आई थिंक वी वर क्वाइट ओके एज फार एज फिल्म्स आर कंसर्न्ड वी वर मोमी एंड यू आल्सो वर देखिए किसी को मुझसे प्रॉब्लम है इसका मेरा कसूर तो नहीं है, मुझे किसी से नहीं है। हाँ। मैं उनको अच्छा समझता हूँ हर एक को। तो वो फट्टे दूसरों की तरफ से होते थे, आपकी तरफ से नहीं होते? मेरे ख्याल में मुझे अक्सर यही कहा जाता था कि जी वो मेरी आदत है, अभी भी मैं आपके सेट पे आया, मैं अभी गुजर रहा था तो चार लोग बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे देखा और वो बैठे रहे, मैं आगे गया, मैं दो कदम पीछे आया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, आप कैसी हैं आप? वो क्या वजह थी? वो वजह ये थी कि मुझे मेरे में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है कि मैं आपको पहले सलाम कर लूँ, अगर आप मुझे सलाम नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं ही आपको कर देता हूँ। सो आई एम अ पर्सन लाइक दैट, आई हैव नो इश्यूज। मैं अपने जिस बंदे को इश्यू होते हैं ना उसको घर छोड़ के आता। तो ये फड्डे भी ईगो की वजह से होते थे 90s में जो होते थे स्टार्स? देखिए जो जो भी नया आता है उसकी कोशिश होती है कि वो बड़े को गिरा ले, तो मैं इनको हमेशा कहता था कि यही स्पेस है आपके, 35 सीन हीरो के हैं उसमें से 35 आपके हैं 35 मेरे हैं, आप भी अपना काम करें मैं भी अपना काम करता हूँ, सो नॉट एन इशू। बट दे ऑलवेज थॉट दैट आई वाज, मैं खामोश रहता हूँ, ये बहुत चलाक होगा, ये कोई प्लान कर रहा होगा, हमारे सीन निकलवा देगा, अगेन मिसअंडरस्टूड, हमारे ये कर देगा, हमारे वो कर देगा। मैं तो आराम से, मुझे खाने का बहुत शौक है, अपना लंच किया, काम किया, घर आके बच्चों में खेलना शुरू कर दिया। आई वॉज नेवर अ वेरी एक्टिव सॉर्ट ऑफ, देखिए जिनको अपने काम से इश्क है उनके लिए, मेरे लिए ये मैटर करता था कि लाइट ठीक नहीं है, मेरा कैमरा ठीक नहीं है, मैं इधर से इधर करूँगा, अच्छा ये प्लेसिंग क्यों नहीं बनाता। सो मेरे लिए मेरे काम में रहना मेरी खुशी है, मुझे मेरे काम से जब आप निकालते हैं तो आई डोंट वेदर बी फीमेल एक्ट्रेस के साथ भी, एक्ट्रेसेस के साथ भी फटे होते थे? नहीं उनसे नहीं। उनके साथ नहीं हुए थे? नहीं। कोई लड़ाइयां नहीं हुई वो सब? मैं हल्का फुल्का फटों के तो प्यार मोहब्बत टाइप कुछ? बिल्कुल, ऑब्वियसली यू आर 16 एंड यू आर वर्किंग विद द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन। यू आर 16, ओके ओके, आई मीन यू वर्किंग विद द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन एंड यू आर पेड टू से आई लव यू टू यू इन फ्रंट ऑफ 40 पीपल एंड यू गेटिंग अवे विद इट। एंड सो हु वाज योर क्रश ड्यूरिंग दैट टाइम? यू वर एब्सोल्युटली स्मिटन बाय Not really. I think at 16 you get smitten by everyone. So, but they were very nice women that I worked with. Beautiful. Naam le lena, chale tareefon mein to le le naam. Reema thi, phir Neeli thi, phir Saima hain, aur ye sab jitni bhi jinke jitni meri heroines thi, jitni bhi even a lot of bar mein jo thi, matlab all great good looking girls. I mean, theek hai. Nice people. अब वक्त हुआ है हमारे एक छोटे से सेगमेंट का, इट्स कॉल्ड डेंजर डेक, देयर इज नथिंग डेंजरस अबाउट इट, इट्स एसेंशियली अ रैपिड फायर सेगमेंट, आई विल आस्क यू सर्टेन क्वेश्चंस और इन योर इनिमिटेबल स्टाइल मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप टक टक जवाब देंगे, और ऑब्वियसली आप शान है तो आप ऑनेस्टली जवाब देंगे, इस बात की तो मुझे गारंटी है। तो ठीक है, इंडस्ट्री में किस मेल एक्टर और फीमेल एक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन आपको बहुत इंप्रेसिव लगी? आतिफ असलम। अच्छा, and female actor? Female actress, Umaima. Okay, Umaima Malik and Atif Aslam. कभी किसी co-star की वजह से आपने कोई project छोड़ दिया? नहीं। कभी नहीं छोड़ा? Never ever. चाहे you're not even on talking terms. हाँ। You'll still do an act. Great. यार, बजा दो इसको थोड़ा सा, bang कर दो इसको थोड़ा सा इसपे। अच्छा, कुछ actors हैं उनके मैं नाम लूँगा। मैं चाहूंगा कि उनके आप बारे में कोई एडवाइस या कोई मशवरा ऐसा दें जिससे उनमें उनकी परफॉर्मेंस में कुछ इम्प्रूवमेंट आ सके। एंड देन अगेन यही बात है, आप हैं यहाँ पे शान बैठे हुए, क्यों ना हम उनसे मशवरे लें। हुमायूं सईद को क्या मशवरा देना चाहेंगे? हुमायूं सईद को मैं ये मशवरा देना चाहूँगा कि जिस जगह पर आप बैठे हैं वहाँ पर आप एक शहर आबाद कर सकते हैं, आप वो शहर आबाद करें, आप तो आबाद हैं ही। माशाल्लाह। अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी को बहुत कुछ कहूंगा, लेकिन कुछ तो कहें। आई थिंक ही नीड्स टू, मेरे ख्याल में कि उनको बेहतर स्क्रिप्ट्स की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, और चैलेंजिंग स्क्रिप्ट्स की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, हुमायूं सईद के अलावा भी काम करना चाहिए, ठीक है। फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी आई थिंक गुड आर्टिस्ट लेकिन अंडररेटेड, ठीक है। जावेद शेख। इनके बारे में क्या कहना है?
कोई भी मशवरा अगर आप उनको देते हैं। वो तो दुनिया को मशवरा देते हैं। मेरा मशवरा ये है कि उनको चाहिए कि अगेन जावेद शेख प्रोडक्शन शुड मेक फिल्म्स। उन्होंने मुश्किल वक्तों में फिल्म बनाई है जी, और अब तो वक्त है फिल्म बनाने का, तो उनको फिल्म बनानी चाहिए। इफ़त उमर साहिबा को कोई मशवरा देना चाहेंगे आपको? आई थिंक शी इज डूइंग ग्रेट, व्हाटएवर शी इज डूइंग। मेरे ख्याल में अच्छा वो अपना काम, जो फनकारों वाला काम है, उनका प्ले और उनकी जो टॉक शोज हैं या उस पे उनको ज्यादा आना चाहिए, फोकस करना चाहिए। I think less... और सैयद नूर साहब रिटायरमेंट उनको ले लेनी चाहिए। एंड आई थिंक ही शुड टीच अबाउट राइटिंग स्क्रीन प्लेज, डायलॉग्स, और आपको फिल्म का जो स्क्रिप्ट जब आप चूज करते हैं उसमें उनको ही शुड, आई थिंक ऑल द डायरेक्टर्स, जितने डायरेक्टर्स हैं उनको आके इनके साथ बैठना चाहिए एंड शेयर देयर स्क्रिप्ट विद हिम एंड यू नो गेट द नो हाउ बिफोर आप किसी का 10 करोड़ 20 करोड़ उस पर लगाने लगे हैं। एक अच्छे आर्किटेक्ट से ये तो पूछ लें कि इसमें बिल्डिंग के फ्लोर कितने होने चाहिए, कितना सरिया लगना चाहिए। बिल्कुल सही। इवन एन आर्किटेक्ट नीड्स अ टीम ऑफ पीपल, इंजीनियर्स एंड ऑल दैट। बिल्कुल सही। अच्छा, आई विल नेम सम फीमेल एक्टर्स एंड बिकॉज अगेन यूर शान, और आपने जैसे बताया कि आप तो ट्रेलर देख के जज कर लेते हैं कि फिल्म कैसी है, तो आई एम श्योर आपने इन सब का काम, कुछ के साथ तो आपने काम किया, कुछ का काम आपने देखा होगा। तो अगर एक्टिंग में से आपको जज करना हो, 10 में से नंबर देने हो, तो आप कितने देंगे? नंबर वन रीमा। अ गुड 7 एंड नाउ 8। अ गुड 7 एंड नाउ 8। तो एक नंबर आपने क्यों बढ़ाया? इसलिए कि अब वो आई थिंक उनके काम में मैच्योरिटी ज्यादा आ गई। ठीक है। रेशम सेम 7-8। मायरा खान। मायरा खान आई थिंक एज अ स्टार, एज एन एक्टर, एज वेल आई विल कम टू दैट आल्सो। I think as a star, she has all the tens, but as an actor or actress, I think somewhere around 5. Okay. Aiza Khan. Aiza Khan, she's, unka ek play jo tha, mere paas tum ho, I think really good work, aur bada challenging role tha, but she should try more challenging roles. Theek hai. Achha, inme se kaun si baat aapko lagta hai sach hai? Main kabhi kisi Indian movie mein kaam nahi karunga. अब तो मुश्किल ही है, वैसे कौन कभी इंडियन मूवी में काम कर पाएगा? अब तो वीजा नहीं लगेगा। लेकिन चलो कभी लग गया, चलो लगवा लेंगे। हाँ, लगवा लेंगे। कर लेंगे आप? मैं? हाँ, कभी आप अब इंडियन कभी भी नहीं करेंगे? आई थिंक इफ इट शव कम्स टू पुल, वी कम ऑन अ लेवल वेयर पाकिस्तान एंड इंडिया आर यू नो मंथ्स मोर देयर इनटू दैट थीम एंड कश्मीर इज, बात वहीं आगे के फिर। बट इफ यू ऑफर्ड लेट्स से अ नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट, यू डू इट? Sure, but it depends ke usme script kya hai and who's directing it and how it's going to be done and which country is going to be shot in. Pakistan, dekhiye baat phir wahi aati hai, usme bhi utne hi prereq hain for like an OTT platform, like you know, or an international project. OTT platform mein agar Indian based script hai, agar aap mujhe Kashmir ke, nahi main to waise kar, jaise Humayun ne Crown mein kiya ek, yeah great, us tarah ka koi aapke paas role aata hai? Haan, us, okay, cool, fair. Meera ko English nahi aati, kya hai sach? शुक्र है नहीं आती। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आज हम उनकी बात जो कर रहे हैं वो इसी वजह से कर रहे हैं। अच्छा, ठीक। यूएसपी बन जाती है ना। ठीक है, इन्होंने, मेरी टीम ने लिखा, उन्होंने कहा जी कि मनी बैग गारंटी एक बेहतरीन मूवी, ये सच है या नहीं है? अब वो उसका आपने जवाब दे दिया। वैसे तो मेरे ख्याल में फिल्म, हर फिल्म अच्छी है, लेकिन बट यू सेड यू हैव नॉट वॉच्ड दैट फिल्म। मेरा हक है कि मैं अपने से जूनियर को, अगर वसीम अकरम आज बुला के शायद अफरीदी को, जो बॉलर हैं हमारे, उनको अगर आके कुछ कह देता है या टिप्स दे देता है या कमेंट्री में ये कहता है कि भाई लाइन ठीक कर लो, तो कंट्रोवर्शियल नहीं होना। बट यू कीप डॉजिंग दैट क्वेश्चन, यू हैव नॉट वॉच्ड द फिल्म। आई वॉच्ड द ट्रेलर। ओके, बट यू हैव नॉट वॉच्ड द फिल्म। इंडस्ट्री में आपका फेवरेट कपल कौन सा है? एन एक्टर एंड एक्ट्रेस, या जो आपको इस वक्त पहले का भी बता दें, अभी एक रीसेंट भी बता दें। In Pakistan, I think Waheed Maraj sahab and Babra ji were great. Aaj ke daur mein agar aap dekhte hain to pehle mein Mohammad Ali Zeba bhi the and all that. Lekin aajkal I think Fawad Khan and Myra look really nice together. Okay, yeah. And I think they should do more sub scripts. Aur kuch apne apne zone mein se nikal ke thoda sa kare. A Pakistani movie jisme aap nahi hain, but it's still one of your favorite films. उन्हें ना कह देना बड़ी नहीं। नहीं नहीं नहीं, बनी है, बहुत बनी है, बहुत अच्छी अच्छी फिल्म्स बनी है। आई थिंक मौला जट वाज गुड। द ओरिजिनल मौला जट और द लेजेंड ऑफ द मौला जट, दोनों
दोनों में गुड. आई हैव आस्क्ड फॉर योर फेवरेट मूवी बाय द वे. पहली जो थी वो राइटर और एक्टरों की थी, इस दफा डायरेक्टर की है. अच्छा ओके. आपके मुताबिक इंडस्ट्री का, आपने अंडररेटेड तो बताया फैसल कुरैशी हैं, बट ओवररेटेड एक्टर या एक्ट्रेस? पांच छह हैं. तो ले लें नाम, फिर क्या होगा? आप नहीं लेंगे तो कौन लेगा नाम? नहीं देखिए, जहाँ पे इल्म सुनने वाले हों तो वहाँ मैं ज़रूर लूँगा. यहाँ पे प्रॉब्लम बनाने वाले लोग ज़्यादा हैं. बट आई पर्सनली फील के टेलीविजन में ओवरनाइट स्टारडम जो है वो बहुत जल्दी मिल जाती है जब तक प्ले चलता है. उसके बाद आपको जो पिछले प्ले वाला हिट होता है वो कहीं नज़र नहीं आ रहा होता. सो आई थिंक इर्तिकाई अमल जो है, इफ़ यू नो योर स्ट्रेंथ, वो समझना बहुत ज़रूरी है. और हम एक प्ले के लिए एक बंदे को स्टार बना देते हैं, उसके बाद उसको नीचे ले जाते हैं. आई थिंक दैट्स नॉट द प्रोसेस. ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच सर. मेरे ख्याल में ऑडियंस एग्री करेगी कि आपने ये राउंड बहुत जबरदस्त तरीके के साथ खेला एंड यू इमर्ज विक्टोरियस ऑल्सो बिकॉज यू हैड नो कॉम्पिटिशन. बट नो, आई थिंक दैट आपने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया. लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर राइट हियर, वी हैव गॉट शान शायद विद अस. आपसे मिलते हैं बहुत ही छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद. Ladies and gentlemen, you're still watching the Talk Talk show. We've still got Chand Chahid here with us. Sir, we've got a game. Usually to hum badi simple format mein khelte hain. Bilkul theek hai. Lekin kyunki baar baar jaise main keh raha hu ki aaj aap hain hamare paas, hum game khelenge twist ke sath. Theek hai. It's called What's on my head. So usually what happens is ke yun apne main sar pe rakhta hu. Acha head. Aur aap mujhe guess karke batayenge, act out karke. Lekin aapka acting talent sabko pata hai, aapne kya acting karni hai. तो हमने ट्विस्ट, आप आज मुझे लग रहा है कि मैं चाहता हूं कि आपने क्योंकि सबको दिए मैक्सिमम 7 नंबर, तो थोड़ी सी नेगेटिव मार्किंग भी होनी चाहिए आज. नहीं, आई थिंक यू आर ब्रिलियंट, टैलेंट येट टू बी रिकॉग्नाइज्ड. आप जो अपने हेड पे रखेंगे वो मैं आपको एक्टिंग से गैस करके बताऊंगा, लेकिन मैं जो अपने हेड पे रखूंगा उसका आपने 3 मुझे उससे हिंट्स देने रिलेटेड. ठीक है, बट 1 by 1. पहले आप एक हिंट देंगे, मैं गैस करने की कोशिश करूंगा. मैं स्मार्ट हूँ, शायद मैं कर लूँ. हाँ. अगर मैं नहीं करता, then you'll give me the second hint. तो मैं चाहूंगा कि आप बुझें या मैं ना चाहूं कि आप बुझें. आप तो ये आपने मुझे बुझवाना है. ओ, आपका आपका पहला हिंट इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि मैं बुझ जाऊं. और अगर मैं ना बुझ पाया और आपका अच्छा हिंट हुआ, इसका मतलब है कि मैं obviously उतना स्मार्ट नहीं हूं. चलें, ये तो अच्छा हो गया. अब बताएं क्या है. ठीक है, ओके. नंबर 1, आंडी. ओके, प्याला. अच्छा एक्टर है मेरे. हम प्याला, हम नवाला. प्याला, हांडी, हांडी, हांडी. हांडी के पहले क्या है? हांडी से पहले क्या है? हाँ, बन रही है हांडी तंदूर. बोल सकता हूँ ना? नो, नहीं ना. सेकंड हिंट. ओके, सेकंड हिंट बताएं क्या है. हांडी तक मैं पहुंच गया हूँ, उससे रिलेटेड आप कह रहे किसी चीज की हांडी है ये. ओके, नहीं नहीं, हांडी तक पहुंच गए ना. हाँ हाँ, तो फिर देर किस बात की? आप कह रहे बनी किस चीज की हांडी है? ये मुर्ख मुसल्लम. कोई हिंट दे ना, किस चीज की है? मैंने बताया ना, मिट्टी. मिट्टी की हांडी. मिट्टी की कौन सी हांडी होती है? अच्छा, योर टर्न. नहीं, मैंने आपको एक्टिंग करके बताना. आप रखें अपने हेड पे विदाउट सीइंग. अच्छा, वाकई मैंने देखा. कुछ तो फैंटास्टिक एक्टर यू आर. क्या हो सकता है? हाथी तो नहीं? हाँ, हाथी. हाथी नहीं. नहीं पता, सीरियसली. उर्दू वर्जन है उसका. उर्दू वर्जन है मसवाक. नहीं, हाँ, यू देर. You're absolutely there. क्या कहते हैं उसे? हाँ हाँ, राइट. मंजन. मंजन. ओके, ऑलराइट. लस्सी. ओके, कूल. आपकी बारी. मैंने नहीं देखना ना क्या है. हाँ, नहीं, आप. हाँ, क्या है? ओ, गन्ना. ओए 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 ओए,
आप मेरे इसमें एक्टिंग स्किल पे कितने मार्क्स देंगे वैसे? जो मुझे गन्ना बेहतर लगा मुझे। नहीं आपने बहुत अच्छा किया। I'm just trying to ओके पंखा, हाथ का पंखा यार हम लोग पता क्या हमें लग रहा है मॉन्टेसरी में हम लोग। ओके यार, बस मेरा बारी फिर आ गई। ओके यार, राइट। सो मजदूर है, मजदूर मेहनत कश कि कहां पे कर रहा है, जहां पे कर रहा है मेहनत, खेत। आपका खेत ऐसे ही लहलाता रहे। आमीन। वन वर्ड रिलेटेड टू इट, दुल्हन। यू डिड दिस ना? नहीं नहीं, आई थिंक हमारी बहुत मशहूर कार्टून फिल्म है। एक फिल्म है, कार्टून फिल्म, कार्टून टॉम एंड जेरी। नहीं, हमारी हमारी है। हाँ, जब चाइना में भी लग चुकी है। अला यार? नहीं नहीं, अला यार कहाँ लगी। हमारी है, जो पाकिस्तानी कार्टून फिल्म है। रैम्बो, रैम्बो ने रोल किया था। और डोंकी राजा, डोंकी किंग, डोंकी। ओके ओके, ये क्या है, इस बॉडी पार्ट को क्या कहते हैं? गिट्टा। नहीं, ये वाला जिसमें जूता पहनते हैं, पाँव। पाँव गाय के क्या होते हैं, गाय के क्या होते हैं? मेरे पाँव हैं तो गाय के क्या होंगे? अच्छा, आप ऐसे कहते ना, खाने की चीज़। हाँ, खाने की चीज़। अरे तो फिर ये तो पाए हुए, पाए हुए। और किसके पाए मशहूर हैं? अब तो बहुत हैं, लेकिन ओरिजिनल सबसे मशहूर पाए किसके हैं? जब पाए का नाम आता है दिमाग में, एक बंदे का नाम भी आता है, लेकिन ये सिर्फ कराची वालों के ज़हन में। अच्छा, लाहौर वाले आगे मूव कर गए। चलो, जो कराची वालों के ज़हन में, वो किसका नाम आता है? अजय के पाए। अजय के पाए। अब लाहौर में आप रिकमेंड करना चाहेंगे वैसे पाए? आई थिंक जब भी हमारे यहाँ कोई चीज़ ब्रांड बन जाती है, वो अपनी वैल्यू और अपने वो खो देती। आप रोज देखते हैं इसे और 100 वादे करते हैं इसके अंदर खड़े होकर, अपनी सबसे गहरी बातें इससे करते हैं। इसे शीशा, मिरर। वैसे मैं नहीं देखता इतनी गहरी बातें करता शीशे से। अच्छा, हाँ देखता जरूर हूँ, लेकिन वो बोलते नहीं होंगे ना, करते तो हैं। ओके, लास्ट वन, लास्ट वन जी। एंड वेरी स्मार्टली ही मस्ट नॉट वॉच इट। ओ, हथौड़ी और हथौड़ा। हाँ ठीक है, वेल डन, तालियां सर। आपने सच्चे सच्चे मुझे मार्क्स देने, देखें नेगेटिव में ना हो, बस बाकी खैर है, 0 से 1 ऊपर हो तब भी चलेगा। मेरे ख्याल में आपकी टीम ने आपको मद्देनजर रख के ये कार्ड्स लिखे हैं, तो इसलिए बहुत आसान ये लफ्ज थे जो ठीक है। तो मैं आपको आसान, मैं चाहता हूँ कि कोई और डेप्थ में आप मेरे से करते, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके अंदर वाकई टैलेंट है ना।